अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल दानी टेक में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके कार के जरिए अपने स्मार्टफोन के जरिए प्रोफेशनल थंबनेल किस तरीके कार के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। आज मैं आपको दो तरीके कार बताऊंगा, एक तो पेड है और एक बिल्कुल फ्री में है। जो फ्री में है उसमें आप प्रॉपर एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो पेड है उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक टूल दिया जाता है जिसके जरिए आप फ्री भी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको परचेज कर लेते हैं तो आप परचेज करके अच्छा खासा प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। वो कौन से दो तरीके कार हैं, किस तरीके कार के जरिए आप थंबनेल क्रिएट करेंगे, मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल वीडियो आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप शुरू को स्किप नहीं करना, आप शुरू को मुकम्मल जरूर से देखना। तो चलिए गाइस वीडियो जान बढ़ते, उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होती है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने लाजमी से इस चैनल को लाजमी से आपने सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए गाइस बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो जानी बढ़ लेते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन लेके चलता हूं, बाकी बातें आपको वहां पर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस तरीके कार के ज़रिए प्रोफेशनल थंबनेल वो भी अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा, शेप्स का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, शेप्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी। सिलेक्ट करने के बाद अपनी मर्ज़ी का आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है। एडजस्टमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन शो होंगे, उसके बाद थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आएगा, इस ऑप्शन के ऊपर आपने टाइप कर देना है। जैसे आप यहां पर टाइप करेंगे तो आपके सामने मल्टी कलर्स ओपन हो जाएंगे, मल्टी कलर आप खुद भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको यहां पर ये जो आपको प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहां पर आपने टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहां पर आप अपनी मर्जी का मल्टी कलर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पर इस मल्टी कलर को बनाना चाहते हैं तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले यहां पर आपको एक एरो ये नजर आ रहा है और दूसरा जो एरो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपने पहले एरो को टाइप करना है, फिर आपने यहां पर आपको कलर का ऑप्शन दिया गया, ठीक है। यहां पर आपने आ जाना है, कोई सा भी आप कलर सेलेक्ट कर ले। फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आपने क्या करना है, यहां पर आपको दूसरा एरो नजर आ रहा है, यहां पर भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहां पर देख सकते हैं आपके सामने एक मल्टी कलर की एक लेयर बन चुकी है और वो बहुत ही प्यारी लग रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर आपके सामने स्ट्रोक का ऑप्शन आपको दिया गया, यहां पर आप थोड़ा सा स्ट्रोक दें। स्ट्रोक देने के बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कलर दे सकते हैं, कोई सा भी कलर दे सकते हैं। मैं तो येलो दे दिया, ठीक है। आपने इसको थोड़ा सा बहुत बड़ा भी कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपने क्या करना है, अगेन शेप्स को ऊपर आना है। शेप्स को ऊपर आने के बाद यहां पर आपने क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लेना है। आप अपनी मर्जी का एडजस्ट करें, क्योंकि मैं जो थंबनेल बना रहा हूं मेरे लिए मुझे ये पसंद है और मैं इस तरह का ही थंबनेल क्रिएट करता हूं और मैं इसी तरह का करूंगा, ठीक है। अगेन आपने क्या करना है, कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर आ जाना है, मल्टी कलर को ऊपर आना है, यानी कि इस तरह का ऑप्शन का आना है। आने के बाद यहां पर आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद आपने फिर अगेन स्ट्रोक दे देना है, फिर आपने स्ट्रोक दे देना है। अब देने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह की शेप डिजाइन हो चुकी है। होने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपने यहां पर शेप्स यानी कि इसके ऊपर टाइप करनी, यानी ये जो चीज है इसके ऊपर आपने एक दफा टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आपके सामने इस तरह ऑप्शन आ जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाना है और करते जाना। इसके बाद आपके सामने यहां पर आपके सामने मास्क का ऑप्शन दिया गया, ठीक है। यहां पर आपने टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आपने इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर आपके सामने ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहां पर आपने टाइप कर देना। टाइप करने के बाद यहां पर सबसे पहले तो एक एडजस्ट इसको कर लेना, ठीक है। उसके बाद एडजस्ट करने के बाद एक छोटा सा आपको काम और भी करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर आपको इसके साथ एक और ऑप्शन नजर आ रहा है, यहां पर आपने टाइप कर देना है। जैसे आप यहां पर टाइप करेंगे, टाइप कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लेना है, हाथों के साथ एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल हाथों मींस के आपको वैसे नहीं, इस कीपैड का इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसको वैसे फिंगर के जरिए इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्ट मैंने कर दिया, करने के बाद मैं यहां पर सिलेक्ट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल यहां पर देख सकते इतना प्यारा लुक दे रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। यहां पर आपके सामने इंपोर्ट इमेज का आपको ऑप्शन दिया गया, ठीक है। इंपोर्ट के ऊपर आ जाए तो आने के बाद यहां पर आपने आ जाना है, कोई सी भी आपने पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी। फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे जो एक जो कि एहसास प्रोग्राम के रिलेटेड एक पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है। मैं यहां पर इसको क्या करता हूं, एडजस्ट कर लेता हूं। एडजस्ट मैंने इसको कर दिया। आप अपनी मर्जी का इसको बैक भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पिक्चर ज्यादा शो हो जाए कम शो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आपका शो कम शो करें। उसके बाद यहां पर आपने क्या करना है, अपनी जो भी अपनी मर्जी की हेडिंग है वो आपने दे देनी। मैं जल्दी से लिख लेता हूं।
जैसे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपनी जो हेडिंग है वो राइट कर ली। राइट करने के बाद यहाँ पर आपने अगेन आ जाना है, आने के बाद आपने फॉन्ट्स सेक्शन पर आना है। फॉन्ट्स सेक्शन आपको नजर आ रहा है, फॉन्ट्स को ऊपर टाइप करना है। फॉन्ट्स आपके सामने काफी सारे आएंगे, आपने जमील लूरी डाउनलोड कर लेनी है। जमील लूरी अगर आपको इंस्टॉल करनी नहीं आते तो उसके रिलेटिव भी मैंने अपने चैनल पर इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बना दूंगा और आपने वो देख लेनी है, ठीक है। फॉन्ट्स जो कि मैंने यहाँ पर बना ली है, बनाने के बाद सॉरी ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद मैं कलर कॉम्बिनेशन यानी कि कलर चेंज करूंगा, यह कि मैंने अभी कलर चेंज कर दिया है। कलर चेंज करने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, बड़ा कर दूंगा, ठीक है। बड़ा करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वर्डिंग थोड़ी सी मुझे ना अजीब सी लग रही है। अजीब किस तरह कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा स्पेस है। स्पेस खत्म करने के लिए आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और थोड़ा सा करना है और थोड़ा सा करना है। करते करते यहाँ पर आपको स्पेसिंग का ऑप्शन दिया गया। स्पेसिंग को ऊपर आपने क्या करना है, स्पेसिंग को टाइप करके थोड़ा सा स्पेसिंग आपने इसकी खत्म कर देनी। फिर उसके बाद साइड पर अगेन वापस आ जाना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने टाइप करना है और यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एडजस्टमेंट हो जाएगी। इसका मतलब कि आपका जो थंबनेल है वो 50% रेडी हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन आपने यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपने टाइप करना है, उसके बाद फिर आपने इम्पोर्ट इमेज के ऊपर जाना है। आने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, कोई से भी आपने पिक्चर ले ली है जो कि ब्रेकिंग न्यूज के रिलेटेड हो। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले गूगल से डाउनलोड की है, आपने भी गूगल से डाउनलोड कर लेनी है, जो कि एडजस्ट कर देनी है जिस तरह मर्जी आपने करना चाहते हैं। जैसे देख सकते हैं मैं एडजस्ट कर दी। उसके बाद नीचे आप कोई भी सी भी हेडिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इस तरह आप प्रोफेशनल, बहुत ही प्रोफेशनल थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी तरीका है। और इसके अलावा जो अगर आप, मैं आपको बताया था कि आप एक प्रोफेशनल थंबनेल और भी क्रिएट कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के जरिए, जिसका नाम है कैनवा एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आज की ये मुख्तसर सी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।